गया भाजपा नेता सह विधान परिषद नवल किशोर यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षकों के हित में अनेकों बार सड़क से सदन तक आवाज उठाया है। भाजपा हमेशा से शिक्षा और शिक्षकों को ख्याल रखने का काम करते रही है। उन्होंने सभी से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार और स्नातक निर्वाचन से अवधेश नारायण सिंह को वोट करने की अपील की। साथ ही आने वाले समय में स्नातकों और शिक्षकों के हक के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार जीवन कुमार ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष के साथ खड़ा रहूंगा। शिक्षक के नेता हैं, जीवन कुमार करें या ना करें, नवल यादव उनके लड़ते ही रहते हैं। सारे शिक्षक जानते हैं कि उनकी लड़ाई मैं ही लड़ता हूं, चाहे वो नियोजन के टीचर हों जो अब 5,000 में बहाल हुए थे, आज 50,000 और 45,000 तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें 90% अकेला कंट्रीब्यूशन मेरा है। जो वित्त रहित कॉलेजों के अनुदान मिल रहे हैं और बीच में जो अभी अनुदान बंद था उसको भी आज पत्राचार हुआ है, उसको भी अनुदान मैं ही दिलाता हूँ। घाटा अनुदान की भी बात मैं ही करता हूँ और उनको टेकओवर करने की भी बात मैं ही करता हूँ। तमाम साथी समझते हैं और मुझे विश्वास है कि जहाँ तक ये आवाज़ जाएगा, एक एक इंटेलेक्चुअल साथी, चाहे वो ग्रेजुएट के हों या टीचर के हों, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन जी और अवधेश बाबू को जिताने के लिए हर कदम पर वो खड़ा रहेंगे, आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। गया भाजपा नेता सह विधान परिषद नवल किशोर यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षकों के हित में अनेकों बार सड़क से सदन तक आवाज उठाया है। भाजपा हमेशा से शिक्षा और शिक्षकों को ख्याल रखने का काम करते रही है। उन्होंने सभी से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार और स्नातक निर्वाचन से अवधेश नारायण सिंह को वोट करने की अपील की। साथ ही आने वाले समय में स्नातकों और शिक्षकों के हक के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार जीवन कुमार ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष के साथ खड़ा रहूंगा। शिक्षक के नेता हैं, जीवन कुमार करें या ना करें, नवल यादव उनके लड़ते ही रहते हैं। सारे शिक्षक जानते हैं कि उनकी लड़ाई मैं ही लड़ता हूं, चाहे वो नियोजन के टीचर हों जो अब 5,000 में बहाल हुए थे, आज 50,000 और 45,000 तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें 90% अकेला कंट्रीब्यूशन मेरा है। जो वित्त रहित कॉलेजों के अनुदान मिल रहे हैं और बीच में जो अभी अनुदान बंद था उसको भी आज पत्राचार हुआ है, उसको भी अनुदान मैं ही दिलाता हूँ। घाटा अनुदान की भी बात मैं ही करता हूँ और उनको टेकओवर करने की भी बात मैं ही करता हूँ। तमाम साथी समझते हैं और मुझे विश्वास है कि जहाँ तक ये आवाज़ जाएगा, एक एक इंटेलेक्चुअल साथी, चाहे वो ग्रेजुएट के हों या टीचर के हों, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन जी और अवधेश बाबू को जिताने के लिए हर कदम पर वो खड़ा रहेंगे, आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। ठीक है कि नेता